हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडीज प्रोवाइडेड बाय शीशाम स्कूल। तो लास्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। मैंने तीन प्रॉपर्टीज़ आपको करा दी थी। सॉलिबिलिटी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंटिन्यू करने वाले हैं। वाटर इज़, देखिए बेसिकली सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना वो जो मटीरियल है पानी में घुल रहा है या नहीं। वाटर इज़ यूजली टेकन एज अ स्टैंडर्ड टू चेक इफ डिफरेंट मटीरियल्स आर सॉल्युबल और नॉट। पानी लिया जाता है किसी भी मटेरियल को चेक करने के लिए कि वो पानी वो घुल रहा, मतलब वो सॉल्युबल है या नहीं है। सम टाइप्स ऑफ थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर वेयर एज अदर्स डू नॉट। कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती हैं और कुछ नहीं घुलती हैं। मटेरियल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू सॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो मटेरियल्स पानी में घुल जाते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और जो नहीं घुलते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। For example, sugar and common salt are soluble in water and wax is insoluble in water. Sugar, चीनी और नमक पानी में soluble होते हैं, घुलते हैं, and wax जो मोम होती है वो नहीं घुलती है। Lemon juice, नींबू का रस घुल जाता है वो पानी में, और डीजल जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है, insoluble होता है। Solids, देखिए सॉलिड्स, शुगर, कॉमन सॉल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है, ये वो सॉलिड्स हैं जो पानी में घुल जाते हैं। सम सॉलिड्स आर इनसॉल्युबल, जो नहीं घुलते हैं वो हैं जैसे वुड हो गया, स्टोन, चॉक पाउडर, ये क्या है पानी में नहीं घुलते हैं। जो घुल जाते हैं सॉलिड्स वो ये हैं और जो नहीं घुलते हैं वो ये हैं। लिक्विड्स देखिए, हनी, ग्लिसरीन, लेमन जूस, एल्कोहल, विनेगर, ये सब क्या है पानी में घुल जाते हैं, जबकि डीजल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये सब क्या है पानी में नहीं घुलता है। सम लिक्विड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर टर्म्ड एज इमिसिबल लिक्विड्स। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो पानी में नहीं घुलते उनको इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं, वेयर एज अदर लिक्विड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर और जो घुल जाते हैं उनको मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। गैसेस में देखिए, गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है पानी में इनसॉल्युबल है। नाइट्रोजन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, जैसे देख ये तो इनसॉल्युबल है, ये कभी भी पानी में घुलती नहीं है, लेकिन ये क्या है कुछ गैसेस पानी में घुलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई। फिजी ड्रिंक्स हैव कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन देम, जैसे हम कोक वगैरह पीते हैं फिजी होती है तो उसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ वाटर ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है जिससे क्या है वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर इज यूज बाय वाटर प्लांट्स टू मेक फूड। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो प्लांट यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपके चेक योर प्रोग्रेस के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब होता है कि वो पानी में तैर रही है या डूब रही है। सम टाइप ऑफ मटीरियल्स फ्लोट ऑन वाटर वेयर एज अदर सिंक। कुछ टाइप के मटीरियल पानी में क्या होते हैं डूब जाते हैं और कुछ क्या होते हैं तैरते रहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लोटेशन, इसी प्रॉपर्टी को फ्लोटेशन बोलते हैं। जनरली मटीरियल सच एज लीव्स, वुड, फेदर फ्लोट इन ऑन वाटर। पत्ते, वुड, लकड़ी, फेदर्स, पंख, ये सब क्या होते हैं पानी में तैरते हैं। वेयर एज रॉक्स एंड मेटल्स, रॉक, पत्थर, मेटल्स, ये सब क्या होते हैं डूब जाते हैं। अ ग्रेट साइंटिस्ट आर्किमिडीज डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, आर्किमिडीज नाम था उनका, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का डिस्कवरी किया था, उसको खोजा था। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड रिसीव्स एन अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, देखिए ये बड़ी क्लासेस के लिए अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए आप कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम पानी में डुबाएंगे तो पानी ऊपर आएगा। तो देखिए जब हम उसको डुबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे से उसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किसके इक्वल होता है, जितना पानी उसने बाल्टी से बाहर गिराया है। वी मस्ट ट्राई टू नो व्हाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट इन वाटर। हम आपने कभी सोचा है कि भाई पानी में कोई चीज़ कैसे डूब जाती है और कोई चीज़ कैसे तैरती है। देखो, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन वाटर द वाटर लेवल राइजेस। जब हम पानी में एक पत्थर डालते हैं तो पानी क्या होता है थोड़ा ऊपर आ जाता है। इन दिस केस वाटर इज सेड टू बी डिस्प्लेस्ड द स्टोन। इफ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द स्टोन विल फ्लोट, अदरवाइज इट विल सिंक। देखिए क्या मतलब है, जितना मतलब जो
पानी का जो वेट है जितना उसने डिस्प्लेस किया है, अगर वो वेट ज़्यादा है किससे, द वेट ऑफ द स्टोन, स्टोन के वेट से, तो वो क्या होगा, फ्लोट करेगा। देखिए जैसे हमने क्या किया, एक पत्थर डाला किसके अंदर, पानी के अंदर, जितना पानी उसकी वजह से क्या हुआ ऊपर आया है, जितना पानी उसका वेट अगर ज़्यादा है पत्थर से तो क्या होगा, वो तैरेगा, अदरवाइज वो डूब जाएगा। सर्टेन हैवी ऑब्जेक्ट्स आर ओनली एबल टू फ्लोट बिकॉज ऑफ देयर शेप। बहुत सारी भारी भारी चीज़ें जो क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी शेप की वजह से तैरते हैं। द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट वुड डिस्प्लेस। शेप पे डिपेंड करता है कि भाई वो कितना लिक्विड जो है, लिक्विड का जो अमाउंट कितना वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल, द शेप ऑफ अ लार्ज फिश अलाउज टू फ्लोट ऑन वाटर डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ वेरी हैवी। देखिए शेप्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, फिर भी क्या करते हैं, वो तैरते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका शेप होता है वो क्या होता है, ऐसे चोंच की तरह होता है, तो उनकी शेप चोंच की तरह होती है इस तरीके से, ताकि वो पानी को क्या होता है, ईजिली काट पाएगी। सपोज लीजिए अगर उसकी आगे से शेप ऐसी होती तो पानी को नहीं काट पाएगी, तो इसलिए क्या होता है, वो बहुत भारी होने के बाद भी तैरते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू एंड बाय।